नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में। तो दोस्तों देखिए, आज हिबिस्कस पे इतने सारे प्यारे प्यारे रेड कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं। अगर इनको मैं काउंट करूं तो ये कम से कम 15, 16 या 17 फ्लावर्स होंगे। देखिए, दो ये रे पीछे, दो और भी इतने, और फ्लावर का साइज भी बहुत सुंदर है। और ये देखिए, हर स्टेम्स पे फ्लावर खिला हुआ है। ये वही प्लांट है जिसकी मैंने बकेट में रिपोर्टिंग की थी। और बिल्कुल एक ही प्लांट अगर छत पे लगाए तो ऐसा लग रहा है कि कितना सुंदर सा गार्डन, जैसे हम किसी गार्डन में आए हो, इस तरीके से इतना प्यारा सा ये फ्लावर्स लग रहे हैं। आज ये प्लांट लग रहा है, और जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था कि अपराजिता पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि रीज़न वही था, इस बार गर्मी बहुत पड़ी है। और अब जैसे कि मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो अपराजिता के सभी प्लांट्स पे, चाहे वो वाइट कलर के हों, ब्लू कलर के हों, सिंगल पेटल्स वाले या डबल पेटल्स वाले, सभी पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। देखिए कितने चमकदार और ग्रीन ग्रीन सभी प्लांट्स हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में बारिश हुई है और आज धूप निकली है। तो जैसा कि हमारे प्लांट्स को दोनों ही चीज़ की ज़रूरत होती है, हवा और पानी, और साथ ही साथ सनलाइट। तो आज सभी फ्लावर के साइज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बिग कलर के। और अब जब फ्लावर निकल कर आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कौन सा प्लांट्स वाइट कलर का है और कौन सा ब्लू कलर का, क्योंकि सभी प्लांट सीड से ग्रो किए थे और पत्तियों से पता लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए कितने सारे ब्यूटीफुल से मैंने ये अपराजिता के बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। और अभी आगे आने वाले समय में लगभग सितंबर अक्टूबर तक अपराजिता में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। तो अभी सभी प्लांट्स की जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो आगे आने वाले समय में भी सभी प्लांट भर भर के फ्लावर देंगे। ये देखिए, हर जगह जहाँ भी सीड ग्रो हुए थे अब फ्लावर आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ प्लांट्स, और बहुत घने से बहुत जल्दी बढ़ जाने वाला प्लांट है ये, बहुत जल्दी घना हो जाता है और फ्लावरिंग पे भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो इतने सारे सुंदर प्यारे फ्लावर देख के सोचा आज आपसे, हालांकि मैंने पिछली वीडियो भी आपसे गार्डन की शेयर करी थी, लेकिन आज तो फ्लावर ही इतने सुंदर आए हैं कि सोचा आपसे सभी प्लांट्स आपको दिखा दूं मैं अपने हरे भरे और फ्लावर्स। सितंबर का सीज़न जो होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो प्लांट्स को एक धूप, हल्की धूप की बहुत ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ बारिश के पानी की भी। अभी जो पिछला मौसम हमारा गया है उसमें बारिश तो होती थी, लेकिन एकदम से बहुत तेज़ धूप आ जाती थी, तो वो प्लांट्स के लिए सही नहीं रहता। लेकिन जो सितंबर में जो बारिश होती है उसका प्लांट्स पे बिल्कुल मैजिकल असर होता है, और जो कि आप देख ही रहे हैं। और गुड़हल की देसी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत सी है, और बिल्कुल फ्री के प्लांटर में, अगर आपके पास पेंट की बाल्टी पड़ी हुई है, आप छोटे से प्लांटर से शुरुआत करें। जब भी आप कटिंग ग्रो करें तो 4-5 इंच के प्लांटर में, या जो वेस्ट पड़ी हुई आपकी जो बॉटल्स होती हैं, या सबसे बढ़िया तो रहता है ग्रो बैग, अगर आप उसमें कटिंग को ग्रो करते हैं, और उस कटिंग को उस जगह पे रखिए जहाँ पर उसको हल्की छनी हुई किसी, ये कह सकते हैं कि किसी प्लांट की बिल्कुल छाया में रख दीजिए। तो जब आप उस पर वाटरिंग करेंगे तो हल्की सी वाटर भी उसे मिलता रहेगा, और उसको जो मॉइस्चर चाहिए वो भी मिलता रहेगा। तो देखिए, ये जो वाइट कलर का अभी तक इसने फ्लावर्स नहीं दिए थे, अब इस प्लांट पे भी फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी लेट इस पे आए हैं। लेकिन जो भी हो, अगर रिज़ल्ट लास्ट में भी अच्छा रहता है तो मेहनत सफल हो जाती है। और इस बार मेरे वाइट कलर के बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं अपराजिता के, तो नेक्स्ट सीज़न में मैं ब्लू कलर को ज़्यादा ऐड करूँगी। अपराजिता को तो अगर हम किसी ग्रो बैग में लगा देते हैं, अगर हमारे पास वो जो कट्टे होते हैं चावल वाले, तो सबसे अच्छी उस रिज़ल्ट हमें उसमें ही मिलता है, क्योंकि प्लांट हम कितना भी बड़ा ले लें तो वो भी अपराजिता के लिए कम पड़ जाता है। लेकिन जब हम कट्टे में इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। और मेरे तो लगभग सभी प्लांट्स में सीड्स ग्रो हो गए हैं, तो अभी मैं इन्हें नहीं फाड़ूंगी क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम है। आगे आने वाले सर्मे में जब थोड़ा डोरमेंसी का पीरियड होगा, तब जो मेरे एक्स्ट्रा प्लांट हो गए उनको मैं कट कर दूंगी। तो बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स हैं, चाहे गुड़हल कह लो, अपराजिता,
ये सभी गर्मी में भर भर के फ्लावर देने वाले प्लांट्स हैं। और गुड़हल तो अगर एक बार आप ले आते हैं, देसी वैरायटी का रेड कलर का होता है, पिंक होता है, वाइट होता है, तीनों ही। और देखिए मेरी अपराजिता की कटिंग्स जो मैंने 4-5 ग्रो की थी, कितनी हेल्दी ग्रो हो गई है इस प्लांटर में। अब मैं इसको ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ पर इसको थोड़ी धूप मिले, क्योंकि अब इसका फ्लावरिंग का टाइम है। तो इतने छोटे से प्लांट पर भी फ्लावर्स आ जाते हैं। दोनों ही प्लांट्स की तारीफ में मैं आपको क्या शब्द नहीं है मेरे पास। आप एक बार ले आइए और कितने देखिए कितने सारे प्लांट्स मैंने ये तैयार किए हैं। हालांकि जो डबल पेटल्स वाले हैं वो मेरे खरीदे हुए प्लांट्स हैं, बाकी सिंगल पेटल्स के आप देख सकते हैं कितनी पूरे में अपराजिता ही हो रखा है। और अब तो मैंने इन्हें जो वेस्ट पन्नी होती है और ग्रो बैग्स होते हैं उसमें रख दिया है, ताकि जब ये सर्दियों में डोरमेंसी पे चले जाए तो इसी के अंदर मैं इनको खाद के रूप में ले लूँगी और नेक्स्ट सीजन में नए प्लांट ग्रो करूँगी। क्योंकि हमेशा जो नए प्लांट्स होते हैं उनसे हमें अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। और देसी गुड़हल का प्लांट जब आपका पुराना हो जाता है तो उसकी कटिंग तो और अच्छे से सक्सेसफुल होती है, क्योंकि थोड़ी सी हमें लगभग थोड़ी सी सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।